नमस्कार। जैसा कि सभी साहित्य प्रेमियों को मालूम है कि हम लोग हरीश्वरनाथ यड़ू जी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। कोविड-19 की वजह से ये सारे आयोजन अलग अलग शहरों में डिजिटल ही किए जा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद सब लोग एकत्र होते, बहुत भव्य कोई आयोजन होता, लेकिन हम लोग इस महामारी की वजह से डिजिटल आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में अलग अलग शहरों में जो भी बातचीत हो रही है वो आपके आप सबको डिजिटल माध्यम से सुनने को मिल रही है और बहुत ही अच्छे आयोजन हो रहे हैं, इसलिए इसके आयोजक बहुत बधाई के पात्र हैं कि हम लोग इस बहाने एक बड़े लेखक पे बात कर रहे हैं। हालांकि रेणु जी को आंचलिक कथाकार कहा जाता है, लेकिन उन्होंने आंचलिकता को हिंदी की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम किया है। इस बारे में निर्मल वर्मा जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि रेणु का महत्व उनकी आंचलिकता में नहीं, उसका अतिक्रमण करने में निहित है। बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली के बहाने उन्होंने समूचे उत्तर भारत के किसानों की नियति रेखा को उजागर किया है। रेणु के लेखन में लोक जीवन की जो खुशबू बुखरी है वो अन्यत्र कमी मिलती है। उनके इस पक्ष पर काफी बातें हुई है, इसलिए आज हम रेणु जी के राजनीतिक जीवन पर, उनकी विचारधारा पर, जो कहीं ना कहीं उस समय की जो बातें थी, जो हालात थे, वो समसामयिक भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ हिंदी के जाने माने लेखक प्रियंवत जी मौजूद हैं। प्रियंवत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हिंदी साहित्य प्रेमी उनसे अच्छी तरह से वाकिफ है। उनके अनेक उपन्यास की किताबें आ चुकी हैं, कहानियों की किताबें आ चुकी हैं, उनकी अनेक कहानियों पर फिल्म भी बन चुकी है, और साथ ही उन्होंने साहित्य और राजनीति पर भी किताबें लिखी हैं, और बहुत जल्दी उनकी एक राजनीति पे किताब पेंगुइन इंडिया से प्रकाश है, जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र का कोरस, कुछ बिखरी बिसरी दुनिया, यही नाम है, ध्वनिया भारतीय लोकतंत्र का कोरस, कुछ बिखरी बिसरी ध्वनिया। आइए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहला तो मैं यही प्रश्न पूछूंगी, हमेशा ये लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है, मुझे भी बहुत उत्सुकता रहती है कि एक लेखक को दूसरे लेखक की कोई भी रचना क्यों पसंद है, और कौन सी रचना आपको हरीश्वरनाथ रेणु जी की पसंद है? रेणु जी की रचना देखिए, सबसे पहले तो मैला आंचल पढ़ी, और वो उनकी सभी शायद ऐसे शुरू करते हो, उनकी सबसे अच्छा किताब है। वो एक नया स्वर था हिंदी साहित्य में, उस समय 1954 में लिखा गया था, और ग्रामीण कथाएं तो लिखी जा रही थी, लेकिन आंचलिकता का एक फर्क है दोनों में, ग्रामीण कथा और आंचलिकता में। ग्रामीण कथा तो प्रेमचंद भी लिख रहे थे, और ग्रामीण कथा गांव की कथा में एक सीधा साधा समस्याएं हैं, स्थितियां हैं, लेकिन उसमें किसी अंचल को पूरी तरह जीवंत करना, आंचलिकता का मतलब यह है कि उस गांव के भी किसी एक विशेष अंचल को, उसकी बोली, बानी, तीज त्योहार, कपड़े, उत्सव, लोक कथाएं, मिथक, ये सब रेणु जी उसको लेकर आते, बिल्कुल नई चीज थी, और उसने लोगों को बहुत चमत्कृत किया। तो वो बिल्कुल लाजमी था कि अगर आप साहित्य की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको कुछ किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। उसमें रेणु का मैला आंचल था, वो उतना स्थापित हो चुका था, वो शुरू किया हमने। उसके बाद हमने तत्काल बाद उनकी परकी परिकथा भी पढ़ी, वो उसी के क्रम में हमने उसको पढ़ी, और उसके बाद फिर कुछ कहानियां पढ़ी रेणु जी की। रेणु जी के साथ एक ये बात है जिसकी आजकल बहुत चर्चा भी हो रही है कि उनको पाठकों का प्यार, मान सम्मान तो बहुत मिला, लेकिन आलोचकों की तरफ से उस तरह से उन्हें नोटिस नहीं किया गया। हाल में एक नलिन विलोचन जी शर्मा जी के लेख में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने उनको प्रेमचंद के समक्ष रखा तो उससे लेफ्ट के तमाम आलोचक नाराज हो गए। एक वीडियो भी मैंने देखा जिसमें नामवर सिंह जी रेणु के लेखन को कहते हैं कि फासिस्ट लेखन है, राजेंद्र जी और नामवर सिंह जी की बातचीत है, तो ये इस तरह से उनको क्यों देखा गया, ऐसा क्यों कहा गया उनके लिए? देखिए, पहली बात तो कि आलोचकों ने नोटिस नहीं लिया, बात नहीं की, ये गलत बात है, खूब बात हुई है रेणु जी पर, और जितना रेणु जी पर बात होनी चाहिए थी
उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। आलोचक बात करें ना करें, रेणु जी हर लेखक के बहुत प्रिय कथाकार हैं, अपनी पीढ़ी के भी और बाद की भी, तो फर्क नहीं पड़ता कि नहीं की, हालांकि ऐसा है नहीं की गई है। प्रेमचंद के समकक्ष रखने में वामपंथियों को, कम्युनिस्टों को दिक्कत हो सकती है, उनको रेणु से भी दिक्कत होने का एक कारण है, और उनको फासिस्ट, मुझे नहीं पता कैसे फासिस्ट उसको कहा है, यही शब्द अगर ठीक इस्तेमाल किया है, एंटी कम्युनिस्ट एक अलग चीज होगी, फासिस्ट अलग चीज होगी, फासिस्ट नहीं कहा होगा, एंटी कम्युनिस्ट कहा है। देखिए एंटी कम्युनिस्ट तो जैसे वो अमेरिका कहता है कि हमारे साथ नहीं हो तो दुश्मन के साथ हो, अगर आप कम्युनिस्ट नहीं है तो आप एंटी कम्युनिस्ट नहीं है, तो उनकी एक भाषा है। सारी समस्या कम्युनिस्टों की ये है, इसमें कम्युनिस्ट का मतलब बार बार यहाँ पर पहले समझ लीजिए, CPIM से मतलब नहीं है, मार्क्सिस्ट से मतलब नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बंटवारे के पहले कम्युनिस्ट पार्टी का। रेणु जी ने JP मूवमेंट का साथ दिया और प्रगतिशील लेखक संघ ने आपातकाल का समर्थन किया और सबने JP को फासिस्ट कहा। हिंदी का कोई लेखक प्रगतिशील लेखक संघ का नहीं था जो JP को फासिस्ट नहीं कहता था और आपातकाल का समर्थन नहीं करता था। रेणु जो की JP का समर्थन कर रहे थे तो फासिस्ट JP हो नहीं रहे थे, तो जो भी उस वक्त JP का समर्थक था वो उनकी निगाह में फासिस्ट था या एंटी कम्युनिस्ट था। फासिस्ट शब्द हटा दीजिए, वो थोड़ा सा भारी शब्द है और गलत शब्द है, हालांकि वो लोग JP को फासिस्ट कहते थे लेकिन रेणु के लिए हम लोग ये शब्द हटा सकते हैं, तो एंटी कम्युनिस्ट रेणु तो उनको लगेंगे। और फिर जो रेणु की विचारधारा बातचीत, और मैला आंचल में तो समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, वामपंथी भी है, सभी इसमें पार्टियां हैं, सबकी बातचीत है, तो कोई विचारधारा की बात तो वो नहीं करते, तो उनको लगेगा कि एंटी कम्युनिस्ट है, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है कि अगर आपके साथ नहीं है तो आप कहते हैं कि एंटी कम्युनिस्ट हो तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रेणु जी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पाठक की सेहत पर कोई नहीं फर्क पड़ता, आप कह दीजिए एंटी कम्युनिस्ट है। लेकिन इस तरह की बातें और उसकी वजह से एक ये चीज भी होती है, प्रेम कुमार मणि जी का एक लेख मैंने पढ़ा था जिसमें था कि रेणु जी की मृत्यु के बाद प्रलेस ने उनकी कहा भी गया लेकिन उन्होंने कोई शोक सभा नहीं की। मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रलेस कैसे करेगा, प्रलेस की निगाह में तो रेणु चूंकि JP के समर्थक थे तो वो तो उनकी निगाह में दुश्मन की तरह थे ही थे, तो कैसे शोक सभा करेंगे। देखिए इसमत चुगतई जब मरी, उनकी शव यात्रा में 3 लोग थे बस, कोई प्रगतिशील उर्दू का लेखक उनकी शव यात्रा में नहीं था, न कैफी थे, न मजबूत थे और सरदार जाफरी, कोई नहीं था। क्यों? उन्होंने कहा था कि मुझे जलाया जाए, दफन न किया जाए, तो उनके जनाजे में कोई शामिल नहीं होगा। तो प्रगतिशील लेखक संघ, देखिए अगर बड़ा इसमें पेश है, आज अगर आप किसी से पूछिए कम्युनिस्ट लेखक से या प्रगतिशील लेखक संघ के लेखक से, आपातकाल सही था कि गलत, चलो बहुत गलत है, बहुत गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, तानाशाही और ये हो, तो उस वक्त भैया क्यों समर्थन कर रहे थे, किसने नहीं समर्थन किया, लोगों को नहीं पता है हकीकत, नई पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती, वो आपातकाल के बारे में नहीं जानती। मैंने अकार में एक नामवर जी का इंटरव्यू लिया था, अकार 11 में शायद, 3 पेज में नामवर जी ने खुलकर इस पर बोला, तो वो अध्यक्ष थे, इसी बात पर कि किसने समर्थन किया, क्या कमलेश्वर ने नहीं किया, क्या भीष्म साहनी ने नहीं किया, श्रीकांत वर्मा के साथ इंदिरा गांधी के पास समर्थन सिद्ध करने क्या रघुवीर साहनी नहीं गए, वो तो समाजवादी थे। ये सब कहानी बड़ी उल्टी है, सबने उस वक्त कहा कि हम इंदिरा गांधी के साथ हैं, JP फासिस्ट है और देश को बर्बाद कर रहे हैं। नागार्जुन ने कविता लिखी कि नागार्जुन जेल गए, जेल से निकलकर बेगूसराय की जेल के बाहर नागार्जुन ने जो भाषण दिया है JP के खिलाफ, अगर वो छप जाए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो सवाल यह है कि और जब इमरजेंसी खत्म होगी और इंदिरा गांधी सरकार चली गई, जनता पार्टी आ गई, तो सारे सूरमा निकल आए कि हमने तो आपातकाल का विरोध किया था, हमने तो ये कविता लिखी, हमने तो वो कविता लिखी, मेरे पास किताबें हैं वैसे ऑफ इमरजेंसी, 50 कवियों की कविताएं हैं जो कहते हैं हमने देखिए ये आपातकाल के विरुद्ध लिखी,
आपने क्या लिखा, आपने कहा सूरज काला हो गया, आपने कहा चिड़िया जो है उसका पर कट गया, आपने पिंजरा बना दिया कि हमने आपातकाल का विरोध किया। जब आपातकाल के बाद आपने कहा कि हमने तो विरोध किया था। पहल तीन में ज्ञान रंजन का संपादकीय पढ़ लीजिए, जेपी के खिलाफ जो ज्ञान रंजन आखिरी कविता है रेणु की, वो उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से लिखी। उस इमरजेंसी के दो मतलब है, वो दिसंबर 76 में लिखी है। अच्छा। मैं आपको सुनाऊंगा वो कविता, बल्कि मैं देखिए रेणु की कविताओं पे कम बात हुई है, जबकि नहीं वो रेणु की कविता है, वो उनकी आखिरी जीवन की कविता इमरजेंसी है। अच्छा। वो आप, मैं बातचीत को वहीं पर खत्म करना चाहता हूँ, मैं उसको निकाल कर रख ही लूँ कहीं पेशकर इसके भूल जाऊ। देखिए रेणु को तो सन 21 में पैदा हो गया सहयोग आंदोलन के साल, खाली नेहरू रेणु का शती वर्ष नहीं है, सहयोग आंदोलन का भी शताब्दी वर्ष है। तो रेणु तो पैदा ही प्रतिरोध और विरोध के उसमें हुए, और जो लेखक चार बार 9 साल की उम्र में पहली बार जेल गए, तो चार बार जेल गया हो उस पर अगर कोई शक कर रहा है, उसकी प्रतिबद्धता पर, उसके एक्टिविज्म पर, उसके कमिटमेंट पर, तो बलिहारी है उसकी। और यहाँ तक कि देखिए रेणु ने अपना पद्मश्री तक पापश्री कहकर लौटा दिया था। नहीं रेणु को देखिए, रेणु को का जीवन खुद अपने आप सब बोलता है, और कम्युनिस्ट पार्टी के कोण से रेणु को परखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी लेखक को परखने की जरूरत नहीं है। हाँ। किसी राजनीतिक शीशे से, आंख से अगर आप किसी लेखक को परखते हैं तो आप बुनियादी तौर पर गलती कर रहे हैं। अच्छा, ये आपातकाल और इमरजेंसी की बात ही हो रही है और रेणु के ने जो उसका विरोध किया था, तो रेणु और जयप्रकाश जी की करीबी तो जब जाहिर है, पद्मश्री लौटाने पर सुनते हैं कि जयप्रकाश जी के आंसू आ गए थे और उन्होंने कहा था कि रेणु ने अपना सब कुछ समाजवाद के लिए दे दिया है। लेकिन एक हैरानी की बात यह कि अपना सब कुछ समाजवाद के लिए देने वाला, पद्मश्री लौटाने वाला, इतना विरोध करने वाला सत्ता की दमनकारी नीतियों का, जब चुनाव लड़ता है तो हार जाता है। देखिए इस देश की जनता ने आज तक किसी पढ़े लिखे लेखक को, नेक इंसान को चुनाव नहीं जिताया। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन सच है, शेषन जब देश के नायक थे रिटायर होने के बाद अपना चुनाव हार गए, नामवर सिंह हार गए, जो लेखक आज तक खड़ा हुआ वो हार गया। हाँ। जितने भ्रष्ट लोग हैं जो भ्रष्ट होने पर चुनाव लड़ने से वंचित कर दिए गए, उनकी पत्नियां खड़ी हुई वो सब जीत गई, झारखंड में जीती, लालू जी की पत्नी जीती। तो इस देश की जनता किसको चुनाव जिताती है और किसको नहीं, वो लेखक को एक ये लगता है कि मेरी बात सुनी जा रही है, मैं कर सकता हूं, मुझे आना चाहिए, लेकिन ये कोई बहुत सामान्य बात है। अगर रेणु चुनाव हारे, रेणु चुनाव जीत जाते तो बहुत बड़ी हैरानी की बात होती। कोई लेखक चुनाव ना आज तक नहीं जीता, कोई समझदार आदमी नहीं जीता, पढ़ा लिखा नहीं जीता, नेक इंसान नहीं जीता। वही वो व्यक्ति जीता जो उस समय इतना लोग इमरजेंसी का ये कर रहे थे, कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था। वो बड़ा चुनाव के कार्य सब समीकरण दूसरे होते हैं। और पद्मश्री लौटाना भी देखिए, पद्मश्री की बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज नहीं है, इसको पता नहीं क्यों लेखक के दुनिया में इतना बड़ा कद दिया जाता है। पद्मश्री तो सबसे छोटा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, साल में 80 पद्मश्री मिलती है, वो भी बहुत, मतलब इस बात को हिंदी लेखक को समझ लेना चाहिए कि पद्मश्री पद या उपाधि या पुरस्कार बहुत सामान्य सी बात है, उसमें कुछ किसी को मिल गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और किसी ने लौटा दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसलिए सब का कोई मतलब है नहीं। देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, मैला आंचल उपन्यास में उनका पात्र कहता है उस समय। ये हालत उस समय इतने साल पहले की बात है कि एक पात्र ये कह रहा है कि ये आजादी झूठी है। आज इतने साल बाद हम ये देख रहे हैं, हालत अभी लॉकडाउन हुआ कि सड़कों पर लाखों मजदूर बेबस और भूखे दिख रहे हैं, तो उस समय से लेके इस समय तक लग रहा है जैसे कि कुछ कहीं बदलाव ही नहीं आया, वो भूखी जनता आज भी हमें सड़कों पर दिख रही है। देखिए जो आजादी देश को मिली
उस समय बहुत से लोग कहते थे आजादी झूठी है, जिस तरह से दंगे के साथ और जिस हिंसा के साथ, उस स्वप्न में नहीं था कि आजादी ऐसे आई। वो तो फैज की बड़ी मशहूर नज्म है, शहर वो शहर तो नहीं। तो बहुत से लोगों ने कहा, कम्युनिस्टों ने कहा झूठी है, जरूर ने कहा, समाजवादियों ने कहा, सबने कहा। लेकिन देश को उस वक्त जितने बड़े संकट में देश था, आजादी जितने बड़े संकट के साथ आई थी, विभाजन के साथ, कोई संसाधन नहीं था, कुछ नहीं था, और इतनी हिंसा के साथ, तो धीरे धीरे देश को प्रगतिशील, आधुनिक, समाजवादी, लोकतांत्रिक रास्ते पर डाला गया और धीरे धीरे देश उस पर कोशिश करके आगे बढ़ा। बड़ी बात है कि 1950 में आपका संविधान बन गया। पाकिस्तान का संविधान 1964 में बना, वो संविधान ही नहीं बना पाए। आपका चुनाव आम 1952 में होता, पाकिस्तान का पहला आम चुनाव जिसमें हर एक को वयस्क को मताधिकार देने का, तो 1971 में हुआ, जिसमें बांग्लादेश बना। तो ये फर्क आप समझ सकती हैं कि दो देश एक ही साथ बढ़ते हैं और भारत कितनी तेजी से आगे बढ़कर कहां पर चला गया, लोकतंत्र, समाजवाद वगैरह। तो इसके लिए नेहरू, पटेल, अम्बेडकर, जेपी लोहिया, बहुत 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 बड़े गैलेक्सी है। हमारी संविधान सभा के आधे लोग बहुत काबिल, बहुत पढ़े लिखे, जिन्होंने संविधान बनाया। तो कोशिश चलती रही, होती रही। अब देश आज भी भूखा है। अब लॉकडाउन में जो लौटे वो भूखे तो नहीं थे, श्रमिक थे, लेकिन हाँ गरीबी उनकी बहुत भयानक दिखी, जिस तरह से वो था। तो गरीबी इस देश में भयावह है। इंतजाम नहीं था, लोग अपना पर्सनली वो व्यवस्था सत्ता की अपनी कमी लग रहा है, जैसे कि इतने साल हो गए और वही चला रहा है कि लोग अभी भी। देखिए गरीबी, भुखमरी, ये सब इस देश में बहुत बड़े स्तर पर हमेशा रही, ये कम हो नहीं पाई। और बल्कि आज से भी, क्या आप जो अकाल का इतिहास पढ़िए, बंगाल का अकाल पड़ा या उसके पहले जो पढ़ते रहे, वो बहुत बहुत त्रासद स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। और अब जो स्थिति आज की, बिल्कुल आज की तारीख में जो देश की स्थिति है, शायद ये गरीबी और बढ़े और बेरोजगारी बढ़े। अब इसमें इस पर अगर बात करने लगे कि ऐसा क्यों है, तो भी बहुत बड़ी सी बातें होंगी। बहुत से उसमें राजनीति शामिल है, अर्थनीति शामिल है, बहुत सी बातें शामिल है। नेहरू के विरोधी फौरन खड़े हो जाएंगे कि उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, प्रधानमंत्री थे तो आप कह सकते हैं उनकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की नीतियां हैं और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन देश की जनता, यह बात, ये नारा बिल्कुल ठीक तब भी था और आज भी है, इसमें फर्क नहीं। बात होती है तो उनका गांधी के प्रति मोह बहुत झलकता है, खास करके बैला आंचल में। बैला आंचल में कई बार वो गांधी जी करके बहुत जगह आया है, बहुत पात्र बोलते हैं। एक पात्र उनका बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता है, हम लोग गांधी जी की जय बोलते हैं तो आप लोगों के कान में लाल मिर्च की बुकनी पड़ जाती है। ये बात उस समय की है, लेकिन गांधी जी का ऐसा है कि आज भी जब गांधी जी का नाम लिया जाता है तो बहुत लोगों के कान में लाल मिर्च की बुकनी पड़ जाती है। तो रेणू के समय कौन लोग थे जिनके कान में ये बुकनी पड़ जाती थी, और आज कौन लोग हैं जिनको गांधी जी का नाम बुरा लगता है? तो ये उस समय से ये चला आ रहा है कि उस समय भी कोई पात्र कह रहा है कि आप लोगों को क्यों गांधी जी का नाम बुरा लगता है, और ये आज भी वही हालात है कि क्यों गांधी जी का नाम बुरा लगता है। लाल मिर्च की बुकनी गांधी के नाम पर 2-3 साल पहले पड़ जाती थी, अब नहीं। अब गांधी को सबने पकड़ लिया है, अब आपको गांधी का विरोध नहीं करता दिखेगा कोई। कम्युनिस्ट भी कहते हैं नहीं गांधी की बात करते हैं, आरएसएस भी कहता है, भाजपा भी कहता है, सोशलिस्ट भी कहते हैं, वो गांधी की बात अब बुकनी किसी की नहीं पड़ती, पड़ती भी होगी तो वो कहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इसको पकड़े बगैर गांधी को ना तो दुनिया में कोई पहचान बननी है, ना अंतरराष्ट्रीय बननी है, और देश की जनता में भी नहीं बननी है। गांधी की उस वक्त जो बुकनी पड़ी, तो भाई गांधी की तो हत्या हुई ना 48 में, तो कहीं तो कोई बात थी जिससे लोग नाराज थे। गांधी को तो जीवन में विरोधी मिलते रहे। गांधी को जब लोग बात करते हैं तो इस बात को नहीं समझते, गांधी का विरोध तो पहले दिन से हो रहा है। गांधी 1920 में जो, जिसकी हम शताब्दी बना रहे हैं, सबने कहा कि तुम्हारा आंदोलन गलत है, गांधी के आंदोलन का विरोध होता रहा, सब होता रहा। गांधी का विरोध किसने नहीं किया, हर पार्टी ने, हर नेता ने,
कांग्रेस छोड़ दीजिए, कांग्रेस के अंदर भी विरोध होता था तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन आज वो वाली बात अब खत्म हो गई है, बुकनी वाली बात, अब वो गांधी समझ में आ गया है। तो वो अब उस समय था, गांधी का विरोध एक फैशन में था। और समाजवादी, देखिए लोहिया जेपी वगैरह आपको नहीं पता होगा, लोहिया गांधी के पैर छूते थे, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोहिया गांधी के पैर छूते थे, लेकिन जेपी वगैरह जो गांधी के साथ रहे, जो गांधी के साथ उठे बैठे वो थे, लेकिन कम्युनिस्ट धुर विरोधी थे, आरएसएस धुर विरोधी था, तो गांधी के विरोधी थे। मुसलमान भारत में जो रह गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग उनका विरोधी था, दलित उनके धुर विरोधी थे, तो गांधी का विरोधी था कौन नहीं। और गांधी ने कहीं बहुत अपने को साबित करने की कोशिश भी नहीं, वो अपने रास्ते पर चलते रहे, लोगों को चीजें समझ में आती रही। और अब शायद बहुत शिद्दत से लोग समझ रहे हैं कि दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है, आप कह रहे हैं उस वक्त एक फैशन सा था गांधी का विरोध करना, लेकिन तब भी उन्होंने इतना ज्यादा गांधी जी को अपने साहित्य में, खास करके मैलाचल में, तो बहुत बार देखिए रेणु 42 के आंदोलन में जेल गए, और रेणु का पूरा लेख 42 में आप पढ़िए, रेणु का निबंध है 9 अगस्त 42 पर। देखिये गांधी के समय में ये जो विरोध आजादी के बाद, गांधी के समय में जिसने गांधी को देखा है, उठा है, बैठा है, रहा है, उनके प्रभामंडल से मुक्त नहीं है, उनके जादू से मुक्त नहीं है। और वो जादू अगर वो किसी दल में रहा, कुछ रहा, तो उस वक्त उसको लगता होगा कि दल सही है, वो ठीक है, समय के साथ बाद में समझ में आया, तो रेणु के ऊपर असर है उसका, वो रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बड़ी हैरानी की बात नहीं है, गांधी का असर है आज, गांधी का असर, मतलब किसी को इसमें हैरानी की इस पर गांधी का असर क्यों है भाई, तो अभी तक तो नोट पर गांधी छपी है, जब तक नोट पर गांधी है तो असर है गांधी का, जिस दिन नोट से हट जाए, मान लीजिए कि गांधी का असर नहीं खत्म हो गया। रेणु जी की एक खास बात है कि वो अपनी कलम के साथ साथ एक्शन भी उन्होंने लिया, सिर्फ रचनाओं में सक्रिय नहीं रहे, नेपाल की क्रांति हो या भारत में सरकार की दमनकारी नीतियां हो, उसमें भी सक्रिय रहे। उन्होंने ये नहीं माना, ऐसा नहीं हुआ कि बस एक बैठे बैठे सिर्फ लिख रहे। देखिए लेखक तो एक्टिविस्ट होता ही है, लेखक सत्ता समर्थक नहीं होता, कोई लेखक नहीं होता, जो होता है वो कभी लेखकों में गिना नहीं गया आज तक। ये बात बड़ी सीधा सा समीकरण है कि अगर आप लेखक हैं तो आपको सत्ता के विरोध में होना है, और हर तरह की सत्ता, सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं, कोई भी सत्ता, जो धर्म हो, समाज हो, राजनीति हो, राज्य सत्ता हो, पूंजी हो, लेखक सिर्फ एक व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होता है, एक इंडिविजुअल, और अपने आप सत्ता के विरोध में हो जाता है। और जब सत्ता के विरोध में है तो एक्टिविस्ट वो हो गया। एक्टिविस्ट से शायद आपका, जब वो लिखता है तो उसका एक्टिविज्म उसके लेखन में है, उसकी कविताओं में, उसकी कहानियों में, उसकी बातों में उसका एक्टिविज्म है, वो विरोध, वो सक्रियता उसमें है। अगर आप यहां पर एक्टिविस्ट का मतलब कहना करना, वो कुछ लेखकों ने किया है, कुछ करते हैं। पहले ये बहुत सामान्य बात थी, और पहले जनता के बीच लेखक की बहुत बड़ी स्वीकृति थी, तो वो कर लेते थे। अब आपातकाल में दिनकर की कविता ही सबसे बड़ा नारा थी, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। फ्रांस में साथ वगैरह में सब किया, दुनिया में बहुत जगह ये हुआ कि वो जलूस में निकले, साथ गए, साथ आए, जनता के बीच बहुत बड़ी स्वीकृति थी। आज वो स्थिति नहीं है। अगर जनता की समर्थन और स्वीकृति हो तो लोग फिर लेखक निकल सकता है, आ सकता है, लेकिन वो है नहीं, और वो हर लेखक कर भी नहीं सकता। सामर्थ्य की बात है, रेणु कर ले गए क्योंकि रेणु शुरू से उस विचारधारा में रहे, उस चीज में रहे, तो वो एक्टिविज्म लेखन में है। हम अपने कोई भी विरोध लिख कर दर्ज कराते हैं, वो पता नहीं लगता क्योंकि वो जनता तक उस तरह पढ़ा नहीं जाता, उस तरह पहुंचता नहीं, तो लेखक करता है। कोई लेखक सत्ता समर्थक होता ही नहीं है, जो सत्ता विरोधी है तो एक्टिविस्ट है। हाँ,
वो अपनी अपने तरह से अपनी अपनी जगह काम करें। बस एक और प्रश्न के साथ अब समय हो रहा है, मैं बात खत्म करूंगी। अभी इन दिनों रेणु जी की बात पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। एक बहुत ज्यादा चर्चा वो पड़ी है, वो शिवमूर्ति जी ने कथन कहा है, शिवमूर्ति जी ने दामविलास शर्मा जी ने जो रेणु के लिए उनका जो नजरिया था, जो जिस नजरिए से उन्होंने रेणु को लिया है उस पर कुछ टिप्पणी कर दी है। उनकी टिप्पणी को लेकर बड़ी गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है। अगर आपको इस बहस का कुछ अंदाजा हो क्या चल रही है और उन्होंने जो कहा है वो कितना ठीक है, उसके लिए शिवमूर्ति जी को बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही है, तो उस ताजी बहस के बारे में कुछ टिप्पणी करिए। देखिए बहस क्या मतलब मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ कल देवेंद्र से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया उसको, तो उन्होंने बताया वो शब्द जो इस्तेमाल हुआ है। देखिए शिवमूर्ति जी बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, बड़े पुराने मित्र हैं और बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। शिवमूर्ति जी वो बात नहीं बोलते जो किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, तो उन्होंने अगर कुछ भी कहा है तो उसके पीछे कुछ ठोस कारण होगा, वो ऐसे जबान नहीं फिसल जाती है। शिवमूर्ति जी की नहीं जबान नहीं फिसलती। हाँ लेकिन उनका कहना, उनके नैरेटिव को डाइवर्ट कर दिया गया, वो कहना कुछ और चाहते थे कि रेणु के इम्पोर्टेंस के बाद बात करना चाहते थे, उसको जातिवादी टर्न पूरा मामले को देख। नहीं नहीं वो नैरेटिव उनका टर्न वन नहीं दिया गया होगा, जो उन्होंने कहा होगा जो कहा है उसके पीछे आशय लोग नहीं समझ पा रहे क्यों कहा। देखिए क्या बात क्या है, शिवमूर्ति जी को जो थोड़ा सा लंबे समय साथ रहे हैं, शिवमूर्ति जी की एक थोड़ी सी समस्या मनोवैज्ञानिक क्या है कि दो आलोचक जो हिंदी के हैं सबसे बड़े, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा, मेरी अपनी जानकारी में जहां तक मेरा ज्ञान है नामवर सिंह ने कभी शिवमूर्ति जी का नाम नहीं लिया और रामविलास शर्मा ने कोई मतलब नहीं लिया। अब शिवमूर्ति जी इतने बड़े हमारे प्रतिष्ठित कथाकार हैं, जाहिर है अच्छा बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी रचनाओं का प्रशंसक, तो एक तो ये दिक्कत है कि हमारा नाम नहीं लिया, बहुतों का नाम नहीं लिया लेकिन शायद वो कचोट उनको नहीं होगी, शिवमूर्ति जी को है। तो इनके जो दो मेरे ख्याल से शायद इन दोनों आलोचक पर उनका कुछ आक्षेप, और उसका एक कारण यह है कि इन दोनों ने उनका नाम नहीं लिया। रामविलास जी के लिए खास तौर से इसलिए हो गया कि ये भाई आपको बड़ी शिवमूर्ति जी की मन की बात बता रहा हूं, शिवमूर्ति जी इसको इनकार कर नहीं पाए, उनके मन में यह है कि प्रेमचंद के बाद रेणु और रेणु के बाद शिवमूर्ति, जो ग्रामीण कथाकार की परंपरा है उसमें शिवमूर्ति तीसरा नाम। शिवमूर्ति जी बहुत अच्छी कहानियां लिखी है, इसमें भी दो राय नहीं होती। गांव पर ग्रामीण कथाओं में शिवमूर्ति जी बहुत सशक्त कथाकार है, और ये उनकी एक मन में है कि बात जब चले तो प्रेमचंद और रेणु और फिर शिवमूर्ति, और वो रेणु जी को मन से भी बहुत सम्मान करते हैं। उस अंचल का कोई लेखक ऐसा नहीं जो रेणु जी को बहुत ज्यादा सम्मान ना करता हो, तो शिवमूर्ति जी को तो कर ही देगा वो, रामविलास जी अगर रेणु को खारिज कर दे तो ये समस्या आ जाएगी। तो जो भी रेणु को खारिज कर रहा है उसी मूर्ति जी के लिए को अस्वीकार है, तो फिर उसी मूर्ति जी को तो खारिज कर ही देगा। अगर रेणु को उसने कर दिया तो शिवमूर्ति जी तो रेणु से तो कमजोर पड़ जाते हैं। तो जो उन्होंने ये दो बातें जो बातें कही उसके पीछे केवल ये दो बातें हैं और कुछ नहीं, और शब्द जो बोला है उन्होंने सुपारी किलर कहा है। हाँ। शिवमूर्ति जी ने शायद लोगों ने उस शब्द को पकड़ लिया, नहीं वो बात नहीं। हाँ। शिवमूर्ति जी ने ये नहीं बताया कि सुपारी दी किसने। अच्छा सुपारी किलर तो हो गया लेकिन सुपारी दी किसने, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है ना। इतना ही अपराध उसका होता है जो सुपारी देता है, तो किसने दी वो सुपारी वो भेद अभी नहीं होता। ये बात अगर ये सुना कोई तो ये पूछना, अगला सवाल ये है कि साहब ये सुपारी किसने, वो पता करना जरूरी है। तो इसमें कोई खास बात नहीं। हाँ ये देखिए रामविलास जी बहुत बड़े हमारे आलोचक, बहुत काम किए रामविलास जी। मैं बिल्कुल आपको दावे से कहता हूं कि हम लोग की पीढ़ी या किसी भी या जो जिसने कविता और कहानियां लिखी हैं, सिर्फ कविता कहानियां, वो अपने पूरे जीवन की रचनाएं तराजू के एक पलड़े पर रख दे तो रामचंद्र जी की कोई भी एक किताब उस पर भारी पड़ जाएगी, कोई भी एक किताब। रामविलास जी ने बहुत काम किया,
और इतिहास पर भी बहुत काम किया, लोग नहीं जानते होंगे, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, निराला की साहित्य साधना, अद्भुत किताब। आप राम विलास जी के खिलाफ कुछ कर लें, मैं अभी गिरिराज जी के पत्र छाट रहा हूँ तो उसमें राम विलास जी का पत्र मिला, 82 या 83 का शायद, उसमें उन्होंने बताया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं बहुत थोड़ा समय रह गया, उसमें बहुत बड़ी किताब पर वो काम कर रहे थे, तो वो कोई फर्क उनकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आप कुछ भी कह लें, लेकिन राम विलास जी ने बहुत काम किया है। तो और वो गंभीर व्यक्ति थे, वो कभी ऐसी बात नहीं करते, तो अगर उन्होंने रेणु को कहा है तो उसमें ऐसी कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि देखिए रेणु को बहुत से लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, उसका एक अपना आंचलिकता का अपनी एक सीमा है, आंचलिकता अब खत्म हो गई है, आज हिंदी में आंचलिकता का महत्व नहीं रह गया है, आंचलिकता 10 साल में उसी समय खत्म हो गई, नई कहानी आने पर और नई कविता आने पर आंचलिकता खत्म हो गई थी, क्योंकि वो नए सवाल आ गए, महानगर का एक नया व्यक्ति आया, उसकी मध्यवर्गीय सामाजिक परिवेश आए, ये सब बातें आई, उसकी व्यक्ति कुंठा और अस्तित्ववाद वगैरह वगैरह वगैरह, तो रचनाओं ने बिल्कुल अपनी शक्ल बदल ली, आंचलिकता खत्म हो गई, तो इसलिए वो कोई बात नहीं है, कि रेणु जी का महत्व अपनी जगह है, राम विलास जी का अपना है, शिवमूर्ति जी अपने स्तर पर कथाकार है, नामवर जी का अपना काम है, ये तुलना करके बात करना बहुत अच्छी पद्धति है। आप एक कविता सुना रहे थे? मैं ये कविता सुनाऊंगा, उस कविता के साथ फिर बातचीत समाप्त। देखिए मैं अच्छा किया याद, मैंने आपसे कह दिया की बात है कि रेणु की अंतिम कविता है, इसका रचना काल है दिसंबर 1976। इसके नीचे लिखा है जीवन की अंतिम रचना, ये पुस्तक है भारत यायावर की, परेश्वरनाथ रेणु चुनी हुई रचना है, खंड 3, ठीक है, पेज नंबर 279। इमरजेंसी, दोहरी त्रासदी, अस्पताल में भर्ती है, वहीं से उन्होंने लिखी है। इस ब्लॉक के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने हर मौसम आकर ठिठक जाता है, सड़क के उस पार चुपचाप दोनों हाथ बगल में दबाए, सांस रोके खामोश, इमली की शाखों पर हवा, ब्लॉक के अंदर एक ही ऋतु, हर वार्ड में 12 मास, हर रात रोती काली बिल्ली, हर दिन प्रयोगशाला के बाहर फेंकी हुई रक्त रंजित सफेद खरगोश की लाश, ईथर की गंध में उंगती जिंदगी, रोज का ये सवाल कहिए अब कैसे है? रोज का ये जवाब, ठीक हूं सिर्फ कमजोरी, थोड़ी खांसी और तनिक सा यहां पर मीठा मीठा दर्द, इमरजेंसी वार्ड की ट्रॉलियां हड़ हड़ झड़झड़ करती, ऑपरेशन थिएटर से निकलती है इमरजेंसी, सलाइन और रक्त की बोतलों में जिंदगी, रोग मुक्त किंतु बेहोश काया में बूंद बूंद टपकती रहती है इमरजेंसी, सहसा मुख्य द्वार पर ठिठके हुए मौसम और तमाम चुपचाप हवाएं एक साथ, मुखर और प्रसन्न शुभकामना के स्वर, इमरजेंसी। अच्छी कविता, इसी के साथ हम लोग इस बातचीत को समाप्त करते हैं, और ये रेणु के स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उम्मीद है इनका सिलसिला इन्हीं चलता रहेगा, इस बहाने बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, बहुत नई नई बातें हम लोगों को भी पता चल रही है, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इसे यूं ही चलते रहना चाहिए।